जसदीप चौधरी जी। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना लोकसभा जो जमुना के किनारे किनारे पड़ता है, इसके कुछ गांव हरियाणा के साइड पड़ते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सोंधेबांस और ग्यासुद्दीनपुर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित इस बात को लेकर के रहता है कि सहारनपुर के हिस्से में उनका आवागमन बड़ा कठिन रहता है, लंबी दूरी तय कर करके उन्होंने घूम करके आना पड़ता है। यमुना नदी पर बहुत लंबे समय से मांग एक चली आ रही है कि वहाँ पर पुल का निर्माण हो जाए। मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग है कि वहाँ अति शीघ्र एक पुल का निर्माण कर दिया जाए ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके। धन्यवाद। श्री दीप चौधरी जी। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना लोकसभा जो जमुना के किनारे किनारे पड़ता है, इसके कुछ गांव हरियाणा के साइड पड़ते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सोंधेबांस और ग्यासुद्दीनपुर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित इस बात को लेकर के रहता है कि सहारनपुर के हिस्से में उनका आवागमन बड़ा कठिन रहता है, लंबी दूरी तय कर करके उन्होंने घूम करके आना पड़ता है। यमुना नदी पर बहुत लंबे समय से मांग एक चली आ रही है कि वहाँ पर पुल का निर्माण हो जाए। मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग है कि वहाँ अति शीघ्र एक पुल का निर्माण कर दिया जाए ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके। धन्यवाद। श्री दीप चौधरी जी। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना लोकसभा जो जमुना के किनारे किनारे पड़ता है, इसके कुछ गांव हरियाणा के साइड पड़ते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सोंधेबांस और ग्यासुद्दीनपुर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित इस बात को लेकर के रहता है कि सहारनपुर के हिस्से में उनका आवागमन बड़ा कठिन रहता है, लंबी दूरी तय कर करके उन्होंने घूम करके आना पड़ता है। यमुना नदी पर बहुत लंबे समय से मांग एक चली आ रही है कि वहाँ पर पुल का निर्माण हो जाए। मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग है कि वहाँ अति शीघ्र एक पुल का निर्माण कर दिया जाए ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके। धन्यवाद। श्री दीप चौधरी जी। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना लोकसभा जो जमुना के किनारे किनारे पड़ता है, इसके कुछ गांव हरियाणा के साइड पड़ते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सोंधेबांस और ग्यासुद्दीनपुर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित इस बात को लेकर के रहता है कि सहारनपुर के हिस्से में उनका आवागमन बड़ा कठिन रहता है, लंबी दूरी तय कर करके उन्होंने घूम करके आना पड़ता है। यमुना नदी पर बहुत लंबे समय से मांग एक चली आ रही है कि वहाँ पर पुल का निर्माण हो जाए। मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग है कि वहाँ अति शीघ्र एक पुल का निर्माण कर दिया जाए ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके। धन्यवाद।